सब बढ़िया यार। और तेरी रोड ट्रिप कैसी चल रही है? अच्छा, और बता। सब बढ़िया भाई। और तू वृंदावन आने की सोच रहा है? क्या बात है भाई, मैं भी वृंदावन में हूँ भाई। हाँ हाँ, आ जा फिर, मिलते हैं। अरे तेरी भाभी ने बोला है यार, आज वृंदावन घुमा दो फिर आगरा चले जाना। अच्छा, अरे आज ही जस्ट होटल में एंट्री करी है। ठीक है, वृंदावन आके कॉल कर लेना मेरे को। अच्छा चल, ठीक है फिर भाई, ठीक है, मिलते हैं। ओके बाय। शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए वृंदावन?
अरे भैया हम तो वाकई बिहारी के दर्शन के लिए आए ना। दर्शन के लिए तो क्या हुआ? मेरे को समझ में नहीं आया भाई, तू भूल गया करके फोन में क्या बोला था मैंने? नेहा का मन है भाई वृंदावन घूमने का, फिर आगरा जाएंगे, फिर आगे प्लान करेंगे। क्या बात है, शादी के बाद इतना चेंजेस? भाई तू भी शादी कर ले, तू भी चेंज हो जाएगा। सब तेरे लगे नहीं होते ना भाई। भाई ये सब तो छोड़, तेरा दोस्त तो चुप चुप ही बैठा है भाई, क्या हो गया? चुप चुप के यार कुछ बोलना है यार तू? क्या बोलू, यही बता दीजिए कि आप लोग कैसे मिले? कैसे मिले? बता दीजिए। अच्छा तो सुनिए, एक बार हुआ ये कि मैं ट्रेन में जा रहा था, अच्छा मस्त खाना पीना खा के चादर ओढ़े मस्त सो रहा था, अचानक से ऐसी ना प्यारी प्यारी खुशबू आने लग गई थी। अच्छा खाने की? अरे नहीं भाभी, खाने की नहीं, दारू की। अरे तो बस क्या, मैंने भाई साहब को बोला, भाई साहब थोड़ी सी मिल जाती ना तो ठंडी भी बच जाती और सफर भी कट जाता। तो बस क्या कि भाई साहब का दिल बड़ा, अच्छा खंबा आप सामने। अच्छा? अरे उसके बाद क्या, ना हमारे पास बिस्लरी, अच्छा ना कोल्ड ड्रिंक, फिर क्या किया उनको मैंने, बोला भाई तुम जाओ लेफ्ट तुम जाओ राइट, पूरी ट्रेन छान मारी। अच्छा? ना कोक मिला और ना बिस्लरी। तो बस फिर क्या, इनको मैंने देखा ही जा रहे टिक 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 करके, एक खूबसूरत सी छोटी सी बच्ची अपना दूध का बॉटल लेके, अच्छा ऐसे सो रही है। सुबह जब हम उठे हैं, एक छोटी सी वही बच्ची है पूरी वोगी, अच्छा सर पे उठा ली। अच्छा क्यों? रो रो के उसने जो हालत हुई उस बच्ची की। हाँ हमने क्या किया, रात भर हमने दूध की बॉटल और दारू। अरे दारू दूध के साथ? अरे इनका तो ऐसा ही है सेहत और अलग ही मजा। अरे बचपन से ये बहुत हरामी है। बुलाया तो तूने भी मुझे एक साथ। कब रुलाया इन्होंने? भूल गया 12th क्लास। क्या हुआ था बताइए, आप बताइए क्या हुआ था? बता दूं? बताइए ना प्लीज। क्या है ना भाभी जी, 12th में हम लोग साथ में पढ़ते थे, साथ में पूरा दिन साथ में रहना, और मेरे को बोलता कि भाई मैं यहाँ से जाने के बाद ना आराम से सोता हूँ, इसको देख के मैं भी पूरी रात आराम से चादर ओढ़ के। और 12th का जो रिजल्ट आया ना 78%। क्या बात है। और अपने 28% देखे। घर वालों ने मारा मेरे को, देखे इधर देखे। भाई 78% आया हूँ तभी तो ऐसी वाइफ मिली है मुझे। समझ सकता हूँ भाई। तो इनकी कोई गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में? गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड्स नहीं नहीं, बताइए ना प्लीज, कोई गर्लफ्रेंड थी? थोड़ा सा समय लगेगा। सॉरी सॉरी मुझे फोन आ रहा है, मैं बस एक मिनट में आई। शादी बताना चेंजेस ठीक है भाई? अरे बड़े बड़े चेंज हो जाते हैं अरुण भाई, क्या है यार? अच्छा बताओ हनीमून क्या क्या प्लान है, कहाँ कहाँ जा रहे हो? बढ़िया देखते हैं। याला बुलावा आ गया। मम्मा को बात करनी है आपसे। सिगरेट पी लेते थोड़ी। आपको ही सोच रहा हूँ भाई। ठंडी है ना बहुत? हाँ ठंडी तो बहुत है भाई। तू सिगरेट से धुआं मार रहा है, मेरे को देख। एक बार बताऊँ, बड़ा फ्रेश माल है एकदम टोटा कड़क। एक बात बता, माल तो फ्रेश है भाई? माल तो फ्रेश है, कड़क भी है और मज़ेदार भी है। अच्छा मुझे एक बात बता, तू एक साल फेल हुआ और तू पैच पूरे साल भर रोया है? पूरे साल भर क्या थे? 12th में जब हम लोग साथ में पढ़ते थे ना भाई, तेरा भाई एक लड़की को बहुत प्यार करता था, उसके घर के हमेशा आगे पीछे घूमता रहता था, और साला ये जानता था। ठीक है मुझसे पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा था, साला मेरी गर्लफ्रेंड को पटा के ले गया। ये चिलगोजा हैं? ये चिलगोजा मेरे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ हनीमून मना गया हैं? एक बात बोलूं, अब हम इसकी बीवी के साथ हनीमून मनाएंगे।
ए पीना भाई, क्या यार चीयर्स। क्या बात है भाई का और बनाना यार। ए बनाना भाई का यार, भाई का एक और बनेगा। हाँ एक और बनेगा भाई का भाई। अरे भाई, अरे सोरेगा नहीं अरे भाई, पैक बनेगा ले ले कुछ। अरे अरे भाई सुनिए, खाना मंगाओ, खाना मंगा दूं। अभी खाने वाने का क्या टेंशन है, हो जाएगा। थोड़ा चकना लेना। अरे लेना यार, चलो भाई पूरा पूरा। अरे वो दोनों कहाँ चले गए?
तुमको क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? हमको समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। उन दोनों ने किया ये सब? सालों को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको अभी कॉल करता हूँ, अभी कॉल करता हूँ, देखो बताऊंगा सालों को। यार जिगरी दोस्त साले ने ऐसा किया, गद्दार साला। करना चाह रहे हो कि मैं सच बोलूं या झूठ? मैं उनको कंफर्म नहीं कर रहा, पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे पुलिस को भी कॉल नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने साथ लेके चलना चाहिए पुलिस स्टेशन। चलो अभी चलो। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। मैं नहीं जानता। पुलिस का कॉल आया था, उन दोनों ने एक दूसरे को गोली मार ली। सारी गलती मेरी है, मुझे उन्हें यहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए था, ना उनके साथ दारू पीनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो। I really love you.